नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ राजकीय पॉलिटेक्निक में आयोजित आजमगढ़ महोत्सव 2023 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक कार्यक्रम के चौथे दिन का शुभारंभ जिला जज संजीव शुक्ला एवं जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा समूह नृत्य, ऑडिशन में चयनित कलाकारों द्वारा प्रस्तुति, स्थानीय प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की गई। इसी क्रम में दैनिक लकी ड्रा के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ ही आकांक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती अंगिरा भारद्वाज द्वारा फैशन शो का नेतृत्व किया गया। उन्होंने कहा कि इस आयोजित फैशन शो आयोजन का मूल उद्देश्य प्रशासन के साथ मिलकर आजमगढ़ के उभरते प्रतिभा को एक मंच प्रदान करना है। आकांक्षा समिति आजमगढ़ की जनता और सरकार के बीच एक ऐसा माध्यम बनेगी जिसके माध्यम से सरकार की वो योजनाएं जो कुछ कारण से आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन योजनाओं से जनता को अवगत करवा सके। ऐसी कुछ योजनाएं हैं, कौशल विकास योजना के तहत आजमगढ़ के युवा को 40 से अधिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा, यानी एक जनपद एक उत्पाद, जिसके माध्यम से आजमगढ़ को उसके स्थानीय सामग्री के निर्यात का केंद्र बनाया जाएगा। और महिला स्वयं सहायता समूह जो कि आम जनता के लिए आत्मनिर्भर है, जो जनता स्वयं अपनी मदद के लिए बनाती है, समिति का मुख्य उद्देश्य है कि वो ऐसे लोगों की मदद कर पाए जिन्हें उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। जिस तरह इस फैशन शो में ऐसी प्रतिभा को मंच दिया गया जिन्हें अब तक अवसर नहीं मिला था, ठीक उसी तरह समिति आगे भी ऐसे आयोजनों से छुपे प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर देगी। हाल की समिति के सदस्य कुछ निश्चित समय के बाद बदलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि आप सभी से समिति का संपर्क बना रहे। आने वाले समय में आप सभी आकांक्षा समिति को अक्सर अपने बीच पाएंगे। जनता सिर्फ औपचारिकता बस प्रशासन से ना भी जुड़ पाए तो समिति का ये उद्देश्य है कि उस कमी को समिति खत्म कर सके। और ये फैशन शो बस एक शुरुआत है। आजमगढ़ की जनता का आभार है और आपसे उम्मीद भी है कि आप इस उद्देश्य को पाने में समिति का सहयोग करेंगे तथा हम और आप मिलकर अपने आयोजित फैशन शो में सिर्फ मुबारकपुर के साड़ी को महत्व दिया गया था। आकांक्षा समिति की अध्यक्ष व सभी सदस्य ने मुबारकपुर में हस्त निर्मित साड़ी ही पहनी थी, जिसका मूल उद्देश्य लोकल उत्पाद को बड़ा मंच प्रदान करना तथा लोगों को परिचित कराना था, जो आजमगढ़ को एक नया स्वरूप देंगे। फैशन शो का थीम और डिजाइनर धरना बर्नवाल, थीम इंडो वेस्टर्न सुस्मिता, थीम न्यू ट्रेंड इकोनॉमी एलिना शर्मा, थीम टाइम्सलेस एलिगेंस राशि तिवारी, थीम इंडो वेस्टर्न बजट फ्रेंडली रिया गुप्ता, थीम गुजरात स्टाइल धोती सानवी मौर्या, थीम मुगल पैटर्न रंजना सिंह, थीम मुबारकपुर साड़ी डिफरेंट स्टाइल काजल यादव बनारसी साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल में प्रदर्शित किया गया। इसी के साथ ही चंदन दास द्वारा गजल की प्रस्तुति तथा दानिश साबरी द्वारा कव्वाली की प्रस्तुति की गई। उपयुक्त दोनों गजल एवं कव्वाली के कलाकारों ने पूरा समा बांध दिया, सभी दर्शकों में जोश भर दिया। उपयुक्त समस्त कलाकार को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, समस्त SDM तहसीलदार, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण सहित गणमान्य व्यक्ति तथा भारी संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवा की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।